मुंगेरी लाल। ओ मुंगेरी लाल बात करने की तमीज भी है तो कुछ यार 24 घंटे बात क्या है। तन्ने जो एक महीने पहले झोटा खरीदा था, खरीदा था 2000 का खरीदा था, उसे मैं 3000 का भी खुवा दूंगा भाई। घर बैठे बिठाए तुझे 1000 रुपए का नफा हो। 1,000,000,000,000 ऐसा है भाई, मुझे बेचना नहीं। अरे बेच ले पावली पूछ, 1000 रुपए का नफा हो लग रहा घर बैठे बिठाए। बात यह है मैं उसे 1 साल रखूँ अपने घर, 2 लाख का करके बेचूंगा मैं बेचता हूँ। तू ऐसा कर अपने घर जा, तू अपने जा, तेरे फायदे खातर मैं बेच ले भाई। मैं करवाता नहीं अपना फायदा, अपना काम कर, अपने घर जा तू, यहाँ मैं परेशान न कर जा। चल आदत चलता कि तू बस, तू तो भाई मैं बेकार आदमी हूँ, तू चला जानते बात कर रहा, पता नहीं रुपए का तोड़ा मेरे दूरा कहीं। मेरी भाई भाई ऐसा सुनी भी तो एक को भेज जाए, तू आ ले यहाँ, मुझे झोटा बेचना नहीं। झोटा? हाँ मैं झोटा खरीदना ना, फिर क्या करना भाई? अरे ये सब खरीद बाद में बताऊँ, रुक जा। अच्छा मैं तो पहले बैठ के बताता था, मैं यहाँ का मालिक, मैं तो बैठा, तू बैठ का मालिक। अरे बैठ भैया। है भाई तू बैठ तो गया, मैंने तुझे बैठने की कही, यहाँ तू बरात में आया, तू दो नोटा देना है मुझे यहाँ सीधा में। मैं किसी ने सही कही, अंधा काना लंगड़ा लुल्ला, लेकिन मेरे ससुरों में एक है फालतू मिला। रे क्या कह रहा है तू? मेरी लाल मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो जो पुराने बुढ़े हैं वो कह के मरे सारे। अरे तो इस बात में मेरा क्या कनेक्शन है भाई? अरे है भाई। वो कैसे? अमा मियाँ घमंड, अगर तुम्हें अपने रपो पर घमंड नहीं होता ना तो आज रंडवनी बैठे होते, ब्याह कर लेते। अरे खसम इस बात से मेरा क्या कनेक्शन है? अमा मुंगेरी भैया कनेक्शन है, जैसे तवे का कढ़ाई के साथ, मास्टर का पढ़ाई के साथ, लोग का लुगाई के साथ, अठंड का रजाई के साथ, तो ऐसे भी तेरा भी कनेक्शन है इस कहावत के साथ। अरे बावली पूछ, भगवान ने जब लाइफ दी तो वाइफ भी देगा, एक आध ठंडे की बोतल लेके तो ऐसा फिर रहा जैसा अंग्रेजों का फूफा, यो यो मैं भी खरीद सकूं, 5-7 कट्ठी खरीद सकूं, बहुत थोड़ा मेरे थोड़ा कहीं पर खरीद बिक्री की मिली। मैं मेरी बात तो सुनो, मैं वही बात करने आया हूँ लड़के से, अब मियाँ मैं उसको पटा रहा हूँ। हाँ हाँ आज पटा लूंगा पक्का, हाँ ये मान लो शादी की बात पक्की करके आऊंगा। हाँ मैं कसम खुदा की, मेरा यकीन करो तुम। हाँ मुंगेरी भाई, मुंगेरी भाई बोतल कैसे खाली हुई? मन पी ली ठंडा समझ के। अबे बेवकूफ तन्ने क्यों पी लिया, इसमें तो पेट्रोल था, मैं अपने स्कूटर के लिए लाया था। तो पेट्रोल की तो इंजन स्टार्ट हो गया। भाई जब तक पेट्रोल खत्म नहीं होता यह गाड़ी बिल्कुल ना लुका। मुंगेरी भैया मैं तो इसका ब्याह करवाना आया था, और जो ब्याह हो जाता वो तो स्वागत से पहली राउंड हो जाती। अरे मुंगेरी मुझे लगा है भाई इसकी तो वैलिडिटी खत्म होगी, तो मेरे सोचे में तो मिस कॉल की भी गुंजाइश ना रही। अब Oh, my God.
सी निकाली करना मौत हो रहा गली में कुत्ते खो खो करके। बहन जी जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें पोलियो ड्रॉप जरूर पिलवाना। आप चिंता ना करो मैं अपने बच्चों को जरूर पोलियो ड्रॉप पिलाऊंगी। अरे सारा हाँ शेख जी ये कौन है? शेख जी ये है दवाई पिलाने वाली। दवाई पिलाने वाली? हाँ। हमारा कौन बीमार है दवाई पिलाने वाली? शेख जी ये पोलियो की दवाई पिलाते हैं बच्चों को। पोलियो की दवाई बच्चों को? हाँ। अच्छा तो पिलवा ली फिर। हमारे क्या बच्चे हैं जो हम पिलवाएंगे? हमारे क्या बच्चे हैं जो पिलवाएंगे? मैं उन अस्पताल में गया वो डॉक्टर बतला नहीं रहा था कि शेख जी आपकी घरवाली के दो बच्चे हैं। हाँ ये शर्म की बात है तो बच्चा होना कोई शर्म की बात है? चिमले और शेख जी ऐसा कर तू चार बूंद दवाई पी ले और दो बच्चे दो दो बूंद दो दो पी लेंगे अंदर ही पी लेंगे सारे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं दिमाग खराब की बात कर रही है? भाई साहब सुनिए जब आपके बच्चे हो जाएंगे आप उन्हें पोलियो जरूर पिलवाना। पहले हो जाएगा तो पिला दिया अपने आगे बैठ गया चलो अपना सरकारी काम खत्म करो। पोलियो ड्रॉप ना पिलवाना जुर्म है पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हम बहुत बड़ा जुर्म करेंगे हम क्यों करेंगे जुर्म? मैं जो जुर्म कर रहा है ना जुर्म को पकड़ दे रहे था उनकी बात कर दूँ पूरा पूरा ऐसा काम करा दवाई नहीं पिलवाते अपने बच्चों को हम तो पेट में दवाई पिलवा देंगे तुम जाओ तो तेरा संतु है पर खा खा कर तो तू साठ हो जा
तेरे आगे मैं छोटा भाई लगू तेरे और वह तेरी माँ छोटी बाण लगे तेरी लौंडे
क्या लांडे? अरे तो लांडे करने में कितना टाइम लगा? मूंछ पकड़ो और गड़ा से काट दो। भगवान माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, चाहे तू मुझे और पीट ले पर प्यार मत जाइए। अरे माँ, बड़े बड़े घरों में छोटी मोटी लड़ाई होती रहे। तन्ने पहले तो बापू कड़ा बिजार समझ के माफ कर, आज तू इसे कड़ा पिल्ला समझ के माफ कर दे। ठीक है बेटा, तेरे से आखिरी बार फिर माफ कर, वरना तो बच्ची की जान। और जो ऐसे टेम आएगा
तो तेरे पे इतना जूत बजम्मा अगर रेबिन देने का है तो घंटे में कोई टाइम आता ही ना, मैं पैसे देने को बोलूंगा। भाई वाह तेरी सरदर्दी है रे, अब तू चला जा यहाँ से, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है, बोल मत तपोगे मुझे, नहीं तो मैं तेरे लत्ते बितार दूंगा। चौधरी साहब तेरी घंटा करके खराब भला ना हो जाएगा, बोलो मेरी मर्जी बन जाओ राजा। कुंदन सिंह नाम है मेरा, मैं किसी का लेके नहीं करता और वो मैं नाते नहीं करता। चालू की बच्ची ये बता, मोबाइल तो तू ले रही इतना महंगा और मार रही मिस कॉल, तो शर्म नहीं आ रही? पहले से मैं तो डलवा अपने में भी डलवा और मेरे में भी डलवा, तेरा बापू तो बतेरा ब्याज कमा रहा, सारा काम लूट के धर दिया हमने। मेरा बाप बड़ा कंजूस है, वो चमड़ी तो दे देगा पर दमड़ी ना देवे। ऐसी बात है तो एक काम करेगा, इसे गले में से काट लेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जहाँ सच ना चला वह झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वह लूट सही। है भाई हरी या प्यार की गड्डी घड़ी दूर तक नहीं चल रही, हो भाई हो गए लिखवा दो मेरे को। राम मेरी डरता अपने बहन तो प्यों तो बना नहीं आज तक, इनका खेल कहाँ को बिगाड़ रहा। ये फेरी रामायण खत्म हो ली तो चलो अपना रास्ता देखो, हमें भी दुख सुख की बात बतला लेंगे। चलो करो भाई, हम क्या हड्डी बोल के हम करेंगे, हम हड्डी बन गए ना माँ है ना, तो नहीं करेंगे। लक्ष्मी की भाई सुश्री कमाल के, मुझे न लगे अकी अभी गुलाबों की बहन है। कल तो सुसरी 1000 लगा दी थी, आज 721 पे गोबरी निकल गई। कमाल, ओ ओ ओ ओ लो कर लो बात, अपने रोकड़ का तगादा करने आया हूँ थूक लगा के। रोकड़ का तगादा और वो भी थूक लगा के? अबे ऐसा कतेक रोकड़ है तेरी? रुपए दिए थे तुझे 30,000 और ब्याज लगा के हो गए 20। और यानी कि 50,000 आज तक तूने 1 दिए थूक लगा के। अरे लाला जी मैं थारी रकम देने को टाल थोड़ा ही कर रहा, दे दूँगा। 6 हो गए थूक लगा के, कब दोगे मुझे तो आज ही चाहिए। देख भाई लाला जी ना तो मैं कहीं भाग जा रहा और ना तुम कहीं भाग जा रहे, दे दूँगा खाते कमाते यार। ना भाई ना, आज रोकड़ा ना मिला तो सालू की माँ मेरा थोकड़ा बिगाड़ देगी थूक लगा के। यो लाला ऐसे बाज नहीं आवे, जाट बुद्धि इस्तेमाल ही करनी पड़ेगी, तेरे तो तोते से उड़ाने ही पड़ेंगे। क्या सोचने लगे चौधरी साहब, झेर पैर मेरा कर्जा निपटाओ, इस मामले को सुलझाओ थूक लगा के। अरे भाई लाला जी जब तन्ने मुझे कर्जा दिया था तो मेरे पे कुछ शर्तें मनवाई थी ना। यो तो बनियों का कानून है। थूक लगा के। तो भाई चौधरियों के भी कुछ नियम हो, अगर तुझे 13 भी चाहिए तो मेरी भी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। कैसी शर्त? छोटी सी शर्त है, देख भाई अगर तन्ने मेरी यह शर्त पूरी कर दी तो थारा कर्जा ही भी चूकती, और जो शर्त पूरी ना करी तो भाई मेरा तेरा हिसाब बराबर, फिर कुछ नहीं मिलने का। ठीक है भाया,
मुझे तेरी शर्त मंजूर है, अब बता क्या करना। अच्छा, अरे ओ गुलाबो, अरे जरा घर में एक गिलास छाछ का और एक गुड़ की डली लेकर तो आइए। विद्या पूरी करिए शरद भाई, चूकती हिसाब करूंगा चूकती, या चौधरियों की जबान है कटा ना करती। अरे तावली लिया भाई, तावली लिया, इतनी देर काहे को लगा रही लाला जी का हिसाब करना। लो थामो, सटक ले। अरे ओ लाला, क्या देख रहा मुझे, सटकेगा चाबेगा मुझे। लाला चिपके से छा पी ले, नहीं तो दोनों आंखें के बर्फ फोड़ दूंगी। अरे ओ लाला के बच्चे, अरे कौन से टावर के सिग्नल मिला रहा, ले हाथ उठ जाओ। यो पकड़ छाज और यो पकड़ गुड़, और भाई रुक जाओ रुक जाओ। हाँ। ये क्या, ये गुड़ था, असर क्या है शरद? मामूली से शरद है, घबरा कहीं पर आमिर। आपके पहले छा पी लो। नहीं, और यो गिलास छा का पी के। हाँ। और पीछे था एक गुड़ी डली। बस इतनी सी बात, ये तो काम में अभी करो। क्या हो गया? देखिए पिताजी, क्या हो गया माँ को? माँ, माँ। बालू, मुझे लगा है तेरी माँ मर गई। इसका हार्ट फेल हो गया दिखे। नहीं, माँ, माँ, माँ नहीं, नहीं। तू चिंता मत कर सालू, मैं तुझे दूसरी नई माँ ला दूँगा। रे मेरे ससुरो,
किसी का तो घर उजड़ गया, तो मैं पक्कड़ चाटने की पड़ रही, जाते भूख लगी तो कूटी पे जाकर मुंह मार लो। चौधरी बता दे क्या बात है जो इतना घेट पाड़ पाड़ कर हो रहा, तेरा कोई चक्कर था इसके साथ बियर नहीं खा के? बता दूं? नहीं भाइयों, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने अपनी बहन बना रखा था इसलिए रो रहे हैं। क्यों चौधरी साहब, मैं ठीक है ना? हाँ ठीक कर रहा। अरे मेरी बेटे, तू क्यों मर गई? यो लाला मर जाता तो ठीक था, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई रे बेटे? तू क्यों मर गई? सबर करो। मर गई मर जाता, बहनों की कमी ना दुनिया में। भाई ये सारी गांव की औरतें सारी तेरी बहन है। हाँ, तेरा राखी तक खूब हाथ भर जाकर अपने बंधुआ के लिए खूब। और क्या? क्या भाई? और Thank you.
तू मन दुखी मत करे शालू, मरना तो एक ना एक दिन सबको ही है। किसी की मौत जल्दी आ जा, किसी की देर में आ जा। मैं क्या करूं संतू, माँ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं तेरा दुख समझ सकूं शालू, पर तेरे दुखी होने से तेरी माँ उल्टी तो ना आने की। मैं क्या करूं संतू, मैं चाहकर भी माँ को भूल नहीं पा रही हूँ। तेरे इस दुख को कोई बड़ी खुशी मिटा सके? मैं मौका सा देख के अपने पिताजी से बात करके तेरे पिताजी से हम दोनों की शादी की बात करूँ। भैया हाँ, तेरा मेरा ब्याह, तेरा मेरा ब्याह हो गया तो तू सारे दुख भूल जाएगी। अरे मेरे ससुरो, तुम यहाँ भी आ लिए? दो घड़ी कुछ बतला ले दो, चलो भैया। भाई एक बात बता, मैं क्यों टल जाऊँ? तू तो ज्यादा बड़ा नवाब है। हाँ हम दोनों जाते हैं, तू भी बैठा है यहाँ से, थोड़ी देर हम भी बैठ लेंगे और क्या। अरे इसकी माँ मर गई, मैं इसे तसल्ली दे रहा हूँ। ऐसे कर, अब तो अपने घर को जा, अब तसल्ली हमें दे दे। बहुत तसल्ली दे ली तुमने, थोड़ी बहुत देंगे हम भी। भाई एक बात सुन संत के बच्चे, हम पे तसल्ली सबसे बढ़िया देनी आवे। जब मेरे रुखसाने का अबू मरे नहीं, मैं तसल्ली खूब दी उसे। और क्या, अरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे ना, जब मैं मरे सोनिया गांधी को हम ही तो तसल्ली दे गए थे। और मैं तो तसल्ली देने में पूरा खलीफा हूँ। और क्या, तो पहले मैं देगा हूँ तसल्ली। दारू छकमा पिया करो। मेरी मोहब्बत तू है गुलाब, रानी ले जा लानी शानी। बापू, ओ बापू, मुझे तेरे साथ आज एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी? अरे भाई सुन, जरूरी बात कर ले 1000, पर खर्च करवाने की बात ना करिए। अरे बापू, खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हमारे गांव की जो लाला की छोरी है ना शालू, उससे मेरा ब्याह करवा दे। हुक्का पानी गिर जाएगा, नाक कट जाएगी नाक। अरे आज के जमाने में हुक्का कौन पीवे बापू, अब तो बुढ़े भी सिगरेट सुट्टे हुए हैं। तुम लाला जी से जाके मेरे ब्याह की बात करो। नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं हो सकता बापू, तू भी बगैर घर का स्टार्ट ना होता, अभी करना होता लाला। अरे माँ देखे बापू के बकवाद कर रहा। क्या हुआ मेरे लाल? बापू मेरे ब्याह को मना कर रहा है। अब बोलिए माँ का आगे, अब देखो क्यों। अरे खसोटे, मेरे लाल को रंडवा घुमावेगा? अरे भगवान, यो सुन रहा बिरादरी था बार बनियों में ब्याह करने को कह रहा, बता कैसे कर दू। बापू बात सुन ले, ब्याह तो मैं बनिया की छोरी शालू से ही करूँगा, ना तो घर छोड़ के भाग जाऊंगा। अरे भाग जाएगा, भाग अभी भाग, और सुसरे 100 की स्पीड से भाग, पर बिरादरी को छोड़ कर बनियों में ब्याह नहीं करूँ। अरे ना स्पीटे, तेरा मेरा बाजा ना बजे। अभी मैं अपने संतों को लेके अपने पियर जाऊंगी और वहां जाके तेरे ऊपर दहेज का केस ठुकवाऊंगी। अरे मेरी सुसरी, तू बहुत रोज की रोज दहेज के मुकदमे ठोके, बुला पुलिस को, आज मैं तुझे ही ठोकूंगा, बुला। ये क्या हो गया आपको, क्या बादाम का तेल भी क्या है हो? अरे बादाम का तेल ना, इन्हें दारू पी रखी है, दारू बोल रही इसमें। क्या दारू? हाँ हाँ, वहाँ दारू पी रखी इसने। अरे मेरे सुसरे, तू घना टाटा मत मत कर। मेरे छोरे को धमकाने की जरूरत नहीं है, बात करनी है तो मुझसे करो। मेरे छोरे का ब्याह तो वहीं होगा जहाँ वो चाहे। अरे मेरी सुसरे, मेरी लुगाई होगा मेरे तई जुबान लगा। मा
अब मेरी माँ मार दी। अरे मरी नहीं है यो, इसकी तो आवाज निकल गई। ओए माँ मार दी मेरी माँ। मैं क्या करूंगी वहाँ पर जाकर? तसल्ली देने का काम मर्दों का है, तुम ही जाओ। हाँ तसल्ली देने का काम मर्दों का सारी, अगर तुम मर गई जिस दिन तुझे मुझे कौन तसल्ली देना आएगा? मुझे ना किसी की जरूरत, मुझे तो तुम ही बहुत हो। हाँ मैं ही बहुत हूँ, तो पूरे गांव को मार दे, मैं ही बहुत हूँ तुझे। सारी अगर तसल्ली देने चल रही उधेड़ दूंगा पक्का साली का। मैं नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही। मैं बोल रहा हूँ सारा मार जा। मैं नहीं मानती। नहीं मानती? नहीं मानती। लड़ाएगी? पीट के लेगी? पीटेगी? कभी ना पीटो। अकट रही है साली, ना पीटो, सेक्सी लीला अकट रही है। गुलाबों को बाद में तसली तक पहले तो सताली। का बढ़िया है, तू भी वैसा ही ड्रामा कर दे, बेइज्जती होने के डर से चौधरी तेरी रकम वापिस कर देगा। हाय मेरी गुलाब को, आ तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता। गुलाब मेरे गुलाब, मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता। बच्चे हो क्या सॉन्ग जोड़ रहा, तुझे बेइज्जती करवाऊंगा क्या? वो मेरी मैनेजर जोड़ तेरे को कर रहा, बेइज्जती कर रहा। तेरे गुलाब मैं तेरे भी करने नहीं रह सकता। हाय मेरी गुलाब, मैं तेरे भी करने नहीं रह सकता। तुझे क्या सॉन्ग जोड़ रहा, बेइज्जती करवाऊंगा क्या? मेरी करवाऊंगा क्या? तेरी चाल तेरी पे फेंक रहा हूँ चौधरी, या तो मेरी रकम लुटा दे, नहीं तो तेरा मैं फजीता कर दूंगा यहाँ पे। ओ लाला के बच्चे, बात तू भी जे कुछ ही कर ले, पर मेरा भी ढीला देने वाला है। आ गुलाब, तू तो मुझे अपना जान दिखावे थी,
टोई मुझे छोड़ के चली गई। अब मुझे चोरी चोरी दूध कौन पिलाएगा गुलाबो? आह गुलाबो, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? आए गुलाबो, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता गुलाबो। भाई चौधरी साहब, हमारी आवाज सुन नहीं, तू घंट लाना फाड़ रहा। मरिया चौधरी, मुझे ऐसा लगा कुछ कैसे करो तेरा चौधरी क्या नहीं बदला बार या चार आदमी बेइज्जती कर रहा। गुलाबो गुलाबो गुलाबो, क्या बता दा फिर घाट को चुप रख नहीं गुलाबो। चौधरी साहब, लाला ने कुछ बताया नहीं, दोनों में से एक जरूर पीटेगा तुम में, या तो लाला पीटेगा या तू पीटेगा। यार चार आदमी बेइज्जती करवा रहा, गुलाबो गुलाबो करवा रहा, सही बता क्या चक्कर था इसका? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई यह बात नहीं है भाई। इस लाला का चुचरे का परसों पागल कुत्ते ने काट खा था, पागलपन का दौरा पड़ रहा है इसके चुचरे का। ये वादी तैदा भगाओ पागल को, ऐसा भगाओ किसी का काट खाया तो सबके कुत्ते की बीमारी हो जाएगी, सब खोखो खोखो कर लगेंगे। बाप समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई। ये बात थी लाला की, बाबड़े कुत्ते ने काट दिया। हाँ इधर तो लगाओ। हाँ मैं पागल हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं गुलाबों के प्यार में पागल हो गया हूँ, मैं भी इसके संग जाऊंगा। अरे मुझे भी जला दो, अरे दो कोते मेरे ऊपर भी डाल दो। अरे आए मैं क्या करूँ, अरे मेरी गुलाब, अरे मुझे जला दो, मुझे जला दो। चौधरी साहब जब मैं नारा इतना रो रहा, अब भाई मुझे तो संग मरना, साथ मरना, साथ ना साथ मारो, इसमें है क्या? अरे डेढ़ बार इसमें गोश्त है, साले का नाम का चार गोश्त इसके रख दो। चार क्या, इसका तो दो में ही काम हो जाएगा। अरे बेटे संतु, हमें लाला जी की आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। एक काम करो, एक मुक्की गोश्त से फालतू और ले आओ, लाला जी को भी इसके साथ ही जला देते हैं। ठीक है बाप। अरे ना भैया ना भैया ना भैया, अरे मैंने जलना चाहता, मुझे तो आग से वैसे डर लगे, मैं तो पीट दी ना पिता चक्कर में, अब ये मैं जलना नहीं चाहता, मुझे बचा लो भैया। लाला जी तुम्हें मेरी माँ की आत्मा पुकार रही है, तड़प रही है स्वर्ग में, चलो जल्दी चलो शमशान। अरे बाहर में गई तेरी माँ की आत्मा, मुझे ना जलना। आओ भाई लाला, चल खड़ो। कहाँ? अरे बुक्की गोश्त खड़ी, चल तुझे मारेंगे। अरे तू तो कहते मरने को। अरे 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 अरे, क्या थी लाला जी, तू तो गुलाब होते बहुत प्यार करे, अब उसके खतर जान देने से बैठ रहा। चल बेटे संतु टाइम से मरने तैयार। अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा मारे ससुरे मारी मां मर गई, तू मजाक कर रहा था? ओ लाला मजाक कर रहा था, ससुरे भी ऊपर जाकर मजाक करिए, संतु बेटे ठाड़ ठाड़ो के शमशान पहुंचा दे। कहा तो मुझे लगा सुथरा डायरेक्टली पहुंच गया, दिखा ऊपर वह कहां भाग गया? बिरयानी खा के। अरे बता भी दे ना भैया। बिल्कुल ना, चलने में 10 रुपए है भाई ले। का नोट। अब तो मैं तुझे सारी बात बता दूंगा, बताऊ मुझे इसी दीवार में से अताउल्लाह खान की गजल की आवाज आ रही थी। अच्छा तुम मैं भी सुनूं यार। सुन ले। तो कान लगा इसके भूत नहीं है, इतनी दूर सब आ जाएगी क्या? सुन। सुन तो कोई रह नहीं। कान
सुनी सुने आ रही नहीं आई नहीं नहीं आई फिर देख रखा तेरा सुतरा सुनी सुने आ रही नहीं आ रही नहीं भूतनी के फजर की नमाज पढ़ के आ गया था मैं जब से दीवार का कान लगा के बैठा हूँ जब मुझे सुनाई नहीं देता तुझे कहाँ से चल भाग चल तेरा सुतरा 10 रुपए इसका मतलब मैं तो पक्का बिजनेस मैन बन गया बिरयानी खा के कल को भी आगे मिलूंगा यही पता नहीं झाड़ा कोई और मुर्गा मिल जा 10 तो कमाए चौधरी साहब मुझे तो लग रहा है कि आज मेरा सारा कर्जा तुम देने आए हो ठूक लगा के अरे सेठ जी कर्जे वर्जे की बात ना है दरअसल हम तो तेरे साथ रिश्ता जोड़ने आए हैं रिश्तेदारी हाँ कैसी अरे भाई लाला जी इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है भाई थारी छोरी और मेरा छोरा ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें प्यार करें अब हम दोनों इन दोनों का ब्याह कर देते हैं अकल खराब हो रही है थारी अरे थारा हमारा क्या मेल तुम जाट हम बनिए अरे भाई बेटे संतु इसे तू ही समझा अरे लाला जी प्यार जात बरादरी ना देखता जब हमारे दोनों के राज्य तो मैं क्या परेशानी है क्या परेशानी है अरे लाला जी क्या सोचने लगे कुछ बोल लो तो सही पिताजी या तो हम दोनों का ब्याह कर दो नहीं तो हम घर से भाग जाएंगे लाला जी एक बात सुन लो क्या या तो हमारा दोनों का ब्याह कर दो नहीं तो चले के भाग जाऊंगा अपनी चलाकी दिखाए बिना बाज नहीं आया तू पिताजी तुम चिंता मत करो मैं भी जाट का मर्द हूँ इसकी सारी शर्त पूरी करूँगा बताओ लाला की शर्त है तेरी बताऊंगा प्रधान के सामने कल को कोई दिक्कत ना हो बता दिए हाँ प्रधान जी मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है आगे की कार्रवाई आप करो क्यों लाला जी अगर संतु ने तुम्हारी शर्तें पूरी कर दी तो अपना वादा निभाओगे हाँ जी बिल्कुल निभाऊंगा अगर इसने मेरी पूरी शर्त कर दी तो मैं अपना वादा पूरा निभाऊंगा अगर इसने मेरी शर्त पूरी नहीं करी तो इसको भी मेरा वादा निभाना पड़ेगा ठीक है जी मुझे मंजूर है लाला जी अब अपनी शर्तें बताओ मेरी पहली शर्त यह है कि संतु मुझे गुस्सा दिलवा के दिखा ये भी कोई बड़ी बात है ये तो काम मैं एक मिनट में कर दूंगा आया गुस्सा मुझे ना आया गुस्सा मंगेरी भाई ये क्या सांग जुड़ रहा हमारे समझ में नहीं आ रहा अच्छा महाभारत जुड़ रही दिखना रही है समझ नहीं आया तो फिर मेरी भी समझ नहीं आया बढ़ गया आया गुस्सा मुझे ना आया गुस्सा नहीं आया गुस्सा ना चल तो घुटनों पे हाथ धर के नीचे ना उठ ले नहीं आया गुस्सा मुझे ना आया गुस्सा कोई बात नहीं तो अब कहा आ जाएगा खून पी जाऊंगा मेरी छोरी के मुंह लगा दिया तो आओ देखो लाला जी थारी एक शर्त तो पूरी कर दी फटाफट दूसरी शर्त बता दो बारिश का मौसम हो रहा है दिक्कत आ जाएगी उधर अभी बता रहा हूँ ये रोटी है गोल।
तुझे इसको खानी है। अच्छा। इसकी गोलाई कम नहीं होनी चाहिए। देख लाला जी, मैंने तेरी रोटी भी खा ली और इसकी गोलाई भी ना खराब हुई। अब तेरी दूसरी सर्दी पूरी होगी। अब छोरी गेल मेरा ब्याह होगा। लाला जी, आप तो शर्त हार ही गए। अब तो आपकी बेटी की शादी संतू के साथ करनी ही पड़ेगी। कैसे करूं? मैं तो अपनी चाल में खुद ही फंस गया। अब कैसे करूं? प्रधान जी, शादी तो मैं करा दूं, मगर मैं हूं बनिया, ये है जाट। अगर मैंने ऐसा करा दिया, गांव की रीति रिवाज होगा क्या होगा? अगर ऐसा होने लगा तो गांव के सारे बालक उल्टी नीतियों पर चलने लगेंगे। हाँ लाला जी, ये बात तो आप सही कह रहे हो। भाई संतू, अब तेरी शादी शालू के साथ नहीं हो सकती। भाड़ में जाओ ऐसी पंचायत। मैं ना मानता ऐसी पंचायत को, मैं ना डरता ऐसी ओनर किलिंग से। अगर मेरा ब्याह छोरी के नहीं करवाया तो मैं इसे लेकर भाग जाऊंगा, चाहे मुझे लाला का मर्डर करना पड़ो। प्रधान जी, देखो तमका रहा है तुम्हारे सामने। अच्छा, तू पंचायत को नहीं मानता? नहीं मानता तो मरने को तैयार हो जा। प्रधान जी से परे कर लो, कभी सचमुच में चल जा। मुझे न करना, मुझे न करना। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो इसे भी तेज करना मान लू। शालू आ जा, बांध दे हाथ में राखी, बांध दे। संतू की बच्ची है, तेरे तो हीर बतावे था, अब बबू बता रहा है। जब हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। पिस्तौल तो देख के हवा निकल गई, बुजदिल। जब तो मेरे दिमाग में उल्लू ने अंडे धर रखे थे, अब तो मैं सुधर गया। ये गंदे काम करने अच्छी बात थोड़ी है। देखो भाई, तो फैसला हो गया, अब पंचायत किस बात की? जाओ अपने अपने घर। हाँ प्रधान जी, क्या चार घंटे का इधर झगमरा रहे, कुछ खाने पीने को ना मिलेगा? अरे बता दी से, वोट भी नहीं दूंगा, हरा गया, चल भाई।